गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी चार्ज करते करते। अब वापसी के लिए मैं निकला हूँ तो आई थॉट कि आई शुड कैप्चर दिस राइड बिकॉज रास्ता बड़ा मस्त है और फुल ऑफ एडवेंचर है। हालांकि इस बाइक के लिए ये रास्ता इस लाइक बट ठीक है, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली ऑफ रोडिंग नहीं है। मेरे को मूड चेंज करना पड़ेगा, रोड पे डालता हूँ। अब पावर आएगी, अब जाना ही पावर में क्योंकि पहले मैंने सोचा था रेन पे डाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा पावर दे रही तो कहीं मिस हैपनिंग ना हो जाए। बट इस रोड के ऊपर पावर चाहिए क्योंकि इंजन चढ़ाई एकदम खड़ी है और इंजन को टॉक नहीं मिल रहा था क्योंकि वो मोड था, वो रेन सेट है, इस वजह से वो पावर डिस्कनेक्ट कर रहा था। दूसरा ऑफ रोडिंग की वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेक पे डाल के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इंजन अपने आप संभाल लेगा। बाकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ एक चीज़ पे ये बाइक मार खा रही है, स्पेशली ट्राइडेंट, क्योंकि जो सीटिंग पोस्चर है वो लॉन्ग राइड के लिए नहीं बना है। श्योर दैट 660 जो टाइगर आ रही है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर प्राइस के अंदर इट विल बी अल्टीमेट। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट अभी जितना बाइक को मैं समझ गया, उसके इंजन को जो मैं समझा हूँ, टाइगर 660 बहुत दिखने वाली है, बहुत दिखने वाली है। कल बारिश की वजह से सारा काम ख़राब हो गया, स्पीड सारी की सारी कम हो गई, टाइम लग गया। ठीक है, आई चोज टू राइड स्लोली क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ आना नहीं चाहता था। कंफर्टेबल है बैठना क्योंकि कल तो जूस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ये रोड बहुत अच्छे बने हैं, शानदार बने हैं। कुछ एक जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि कल बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था और स्नो भी मेल्ट हो रही है। कल ये जगह सारी की सारी स्लिपरी थी, आगे पति थोड़ा सूख गया, बड़ी कीचड़ है तो बड़ी ध्यान से चलाते पड़ते हैं वहाँ पर कि ब्रेक मारोगे टायर स्लिप होगा। तो ब्रेक नहीं मारना, एक इंजन पे लोड पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, बट एक अफॉर्मेटिव ग्रिप बन जाएगी जो आपको स्लिप होने से बचाएगी। सो ध्यान रखना। हाँ जी, इत भैया इत ही है, कुछ भी नहीं।
बैग वापस आ रहा था, असल मेरी तरफ को पुश कर रहा था, तो सेटिंग करी है थोड़ी सी, अब ठीक है। अभी दूर है, कल शिमला क्रॉस कर गया हूँ, सो फाइव पास लाइट चल रही है मैंने, कुछ पता नहीं कौन सा जाम है, बट यू कैन सी दैट्स मिनी टूरिस्ट ट्रेन, शायद इसी की वजह से फाटक ना बंद हो आगे वाला।